हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टर से गुड़िया में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सभी की फेवरेट पाव भाजी। ऐसी रेसिपी जो आप पूरे साल में कभी भी बना के खा सकते हैं, हमेशा ही पसंद आती है और सर्दियों में तो इसका मज़ा और भी बढ़ जाता है। जब गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। आज की पाव भाजी मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सीक्रेट टिप्स के साथ, बिल्कुल उसी तरह जो आप मुंबई में चौपाटी या बीच में खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की पाव भाजी की खाकर मज़ा आ जाए। और एकदम आसान तरीके से बनाऊंगी, जिसे देख के कोई भी बहुत ही आसानी से पाव भाजी बना सकता है। तो फुल वीडियो वॉच करिए और अंत तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं। हमने ये सब्जियां लिया, पोटैटो, गाजर, कैप्सिकम और मटर और टोमेटो लिया है और हमने कॉलीफ्लावर, कैबेज लिया है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और जो भी सब्जी आप डालना चाहें वो पाव भाजी में डाल सकते हैं भाजी बनाते समय। तो हमने सबसे पहले कुकर रख दिया, कुकर हो गया गरम और अब इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। हमने शुद्ध सरसों ऑयल यूज किया है, तो आप कोई भी जो आप ऑयल खाते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून क्यूमिन, जीरा, और ये देखिए जीरा चटकने लगा है तो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब इसमें हम डालेंगे और सारी सब्जियाँ डालेंगे। तो ये देखिए जीरा एकदम अच्छे से चटकने लगा। अब इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर और हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला थोड़ा सा। अब डाल देंगे इसमें जो हमने सब्जियां लिया उसको हम डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी पाव भाजी बना रहे हैं, तो इसको फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिए। अब डाल देंगे इसमें टोमेटो, कैप्सिकम डाल देंगे और डाल देंगे पोटैटो और गाजर डाल देंगे। हम डाल देंगे मटर इसमें और अच्छे से चला देंगे। गाजर जो है वो बाइंडिंग भी अच्छी करेगी और खाने में भी टेस्टी लगती है और कलर भी इससे बहुत अच्छा आता है पाव भाजी का। तो आप इसमें चुकंदर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। डाल देंगे टेस्ट के अनुसार साल्ट इसमें और डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको इसमें अच्छे से कर देंगे मिक्स, ताकि सब्जियों में अच्छे से सारा चीज़ मिक्स हो जाए। आ गई, अब सीटी दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर हम बंद कर देंगे इसमें। तो ये अच्छे से पक जाएगी 3 सीटी में और अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि सब्जी मैश करने में कोई दिक्कत फिर नहीं होती है। तो ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसको मैशर से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से पकी है, बहुत आसानी से मैश हो गई है। तो हमने सब्जियों को कर लिया मैश अच्छे से, अब इसको साइड में रख देंगे और गैस पे रख दिए पैन। पैन में डाल देंगे बटर, बटर हमने घर में बनाया था वही यूज किया है, आप बाहर की भी बटर ले सकते हैं। तो हम डाल देंगे 1 टीस्पून इसमें क्यूमिन, क्यूमिन देखिए चटकने लगा है। तो अब डाल देंगे अनियन, अनियन हमने बारीक चॉप कर लिया था 1 अनियन और 1 कैप्सिकम हम डाल दिए हैं बारीक चॉप करके। तो इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, चला देंगे थोड़ा सा और डाल देंगे हरी मिर्च, हमने 2 से 3 हरी मिर्च लिया था और हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डाल देंगे इसमें पाव भाजी मसाला, हमने पाव भाजी मसाला 2 से 3 स्पून लिया है और डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा से आता है, थोड़ा सा चटपटी बनता है पाव भाजी जो है। और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा फूड कलर, अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो चुकंदर डाल दीजिए, मेरे पास चुकंदर नहीं था इसलिए हमने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे भाजी डाल के। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है, थोड़ा सा डाल दिए इसमें पानी हम और इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता, हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं सब्जियों में अक्सर हरा धनिया यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो इसको अच्छे से मैश कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से पतुला से। तो देखिए कलर जो है एकदम मुंबई में जो भाजी बनती है उसी स्टाइल में बनी है ये, उसी तरह कलर इसका दिख रहा है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मुंबई में खाते हैं।
वैसे ही हमने भाजी बनाया है। अब इसमें टेस्ट और बढ़ाने के लिए हम डाल देंगे कसूरी मेथी, थोड़ा सा हाथ पे रख के इसको क्रश कर लेंगे और उसको डाल देंगे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको हम चला के अच्छे से मिला देंगे। तो भाजी देख रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल उसी तरह रेडी हुई है जैसे आप जुहू बीच या मुंबई में किसी जगह आप खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही भाजी रेडी हुई है। बस पाव सेकने की देरी है, भाजी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी भाजी बनी है। ये तो कलर से ही आपको देख कर लग रहा होगा कि भाजी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है बनके। तो थोड़ा सा इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा बटर। तो बटर बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पाव भाजी में बटर बहुत ही स्पेशल होता है। तो घर का ही बटर है तो हम थोड़ा सा इसमें बटर डाल देंगे। तो बटर पाव भाजी में भर भर के यूज करते हैं मुंबई में, तो हमने घर में ही जो बटर मलाई से बटर बनाया था वही यूज किया है। आप बाहर के बटर भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दे रहे हैं, चलाते हुए पकाएंगे इसको ताकि इसका टेस्ट और चौगुना बढ़ जाए। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें लेमन का जूस। तो हमने हाफ नींबू कट कर लिया था, उसका जूस इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से मिला देंगे। तो अब चलिए, भाजी बन के रेडी हो गई है। अब हम पाव सेक लेते हैं। तो हमने बंद लिया था पाव, तो थोड़ा सा सब्जी उस पर डाल दिए तवे पे। थोड़ा सा पहले हमने बटर डाल दिया था, उस पर सब्जी थोड़ा सा 1 टीस्पून डाल दिया था जो हमने भाजी बनाया है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया था। उसी के ऊपर हमने पाव रख दिया है ताकि अच्छे से सिक जाए और एकदम मुंबई स्टाइल में बने पाव भाजी। तो हमने बना ही लिया है, पाव भी सेक लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे बनाने पे, एकदम ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी बनके रेडी हुई है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं हम। तो अब प्लेट में निकाल लेंगे हम। प्लेट में हमने निकाल लिया पाव और भाजी निकाल लेते हैं। तो एकदम गर्मा गर्म पाव भाजी रेडी है, देख के मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। अब इसके ऊपर भाजी के ऊपर हम डाल देंगे बटर थोड़ी सी, थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देंगे। और हमने एकदम मुंबई स्टाइल में बनाया तो थोड़ा सा बगल में हम रख दिए हैं अनियन बारीक चॉप करके, और हमने हाफ लेमन रख दिया। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी को पाव भाजी के साथ अनियन और नींबू बहुत अच्छा लगता है। तो हमने लेमन भी कट कर दिया है और हमने अनियन भी कट कर दिया। अब देख के कैसे लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पाव भाजी की रेसिपी घर पे बनाइए और खाइए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हमने आपको कैसे बताया था पाव भाजी बनाना, कितना आसान तरीका है पाव भाजी बनाना। बहुत ही आसान है, बहुत ही यम्मी है। बाहर पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और लोगों को भी खिलाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।